हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कन्वीनियंट स्टडीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रीयूजेबल वर्कशीट्स आप कैसे घर पर बना सकते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आप चाहते हैं उन्हें वर्कशीट्स पर प्रैक्टिस करवाना, लेकिन आप बार बार वर्कशीट्स बनाने की झंझट से भी बचना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि आपको एक ही बार वर्कशीट बनानी है और इससे बच्चा कई बार प्रैक्टिस कर सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रीयूजेबल वर्कशीट्स आप घर पर कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आपको चाहिए है इस तरह की एक फाइल, जो कि स्टेशनरी की शॉप पर ईजिली अवेलेबल है। इसमें इस तरह की प्लास्टिक की शीट्स लगी हुई होती है। अगर आपके पास ये नहीं है या आप नहीं ले पा रहे हैं, तो उसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है इस तरह की प्लास्टिक्स हमारे घर में अवेलेबल होती है, जिसमें साड़ी या कुछ भी ऐसा सामान आप लेते हैं। तो इसमें भी आप सिंगल सिंगल वर्कशीट लगाकर और इससे भी बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो मेरी फर्स्ट जो वर्कशीट है वो है सर्कल द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इन तीनों ऑब्जेक्ट में से जो सबसे छोटा ऑब्जेक्ट है उसे बच्चे को सर्कल करना है। अगर आप इस तरह की प्लास्टिक शीट का यूज करते हैं तो उसके लिए आपको मार्कर की ज़रूरत होगी। इस तरह का आपको मार्कर लेना है। ये परमानेंट मार्कर नहीं है, ये व्हाइट बोर्ड पर जो हम मार्कर यूज़ करते हैं वो है। आप कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं, ये अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है। सर्कल द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट, तो जो सबसे छोटा ऑब्जेक्ट है उस पर बच्चे को सर्कल करना है, और इसे आप इजीली वाइप आउट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये गलत भी हो जाता है तो आप इस तरह से कोई भी क्लॉथ से इसे पोंछकर साफ भी कर सकते हैं। तो बच्चे को सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट है उसे सर्कल करना है। नेक्स्ट जो वर्कशीट है उसमें टिक क्रॉस द पिक्चर दैट इज डिफरेंट। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स दी है और इसमें जो डिफरेंट पिक्चर है उसे बच्चे को क्रॉस करना है। जैसे कि ये वाली डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो इस तरह से बच्चे को क्रॉस करना है। आप अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो उसे ट्रेसिंग जरूर आप करवाइए। उसके लिए इस तरह की रीयूजेबल वर्कशीट बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि बच्चा बार बार उस पर प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये मैंने ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट यहाँ लिखे हैं और बच्चे को इसे ट्रेस करना है इस मार्कर की हेल्प से। इस तरह से ए से लेकर जेड तक आप ट्रेसिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट मैंने स्वर लिखे हैं अ से लेकर अह तक, और ये भी बच्चों को बोल बोल कर लिखना है और बच्चों को इसे भी ट्रेस करना है। इससे क्या होगा, बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप होगी जब वो पेन का यूज करेंगे मार्कर का, और उन्हें ट्रेसिंग भी आएगी, ताकि वो स्कूल जाए तो उन्हें लिखने में भी आसानी हो। इसी तरह से मैंने नंबर्स लिखे हैं 1 से लेकर 10 तक, इन्हें भी बच्चे को ट्रेस करना है। नेक्स्ट मैंने मैचिंग दी हुई है। यहाँ पर बच्चों को इन ऑब्जेक्ट्स को सही शेप के साथ मैच करना है। जैसे कि ये मैच होगा स्क्वायर से, ये होगा ट्रायंगल से, ये होगा रेक्टेंगल से, और ये होगा सर्कल से। और जब हमारा यूज हो जाए, एक बार बच्चा कर ले, तो हम इसे वाइप आउट कर देंगे। फिर नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ड्रॉ सेम पैटर्न दिया हुआ है। यहाँ मैंने बटरफ्लाइज बनाई हुई हैं, और इस तरफ में मैंने कुछ पैटर्न ड्रॉ किए हैं और इस तरफ में मैंने ब्लैंक छोड़ा है। तो बच्चे को यहाँ पर ये जो पैटर्न है, सेम पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ करना है। इस तरह की एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होती है, छोटे बच्चों के लिए। तो इस तरह से बच्चों को यहाँ पर सर्कल्स बनाया है तो सर्कल्स बनाने हैं, यहाँ क्रॉस बनाया है तो बच्चों को क्रॉस बनाने हैं, और आप इन्हीं एक ही वर्कशीट्स को आप कई बार यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट के लिए मैंने एक पिक्चर दी हुई है जो कि इनकम्प्लीट है, और बच्चों को 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स को कनेक्ट करना है और इस पिक्चर को कंप्लीट करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ अगर कुछ गलती हो गई है तो आप इसे साफ कर सकते हैं, और फिर यहाँ से 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इस तरह से आप बच्चों से करवा सकते हैं। ये भी मैंने ट्रेसिंग ही दी हुई है। यहाँ पर बच्चों को कंप्लीट करना है पिक्चर्स को। इस तरह की ट्रेसिंग बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो यहाँ बच्चों को इन डॉट्स को कनेक्ट करना है और पिक्चर को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ किया है और यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए हैं। बच्चों को ब्लैक डॉट को रेड डॉट से मिलाना है, तो यहाँ पर बच्चों को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से और इसे ड्रॉ करना है। और यहाँ पर भी बच्चों को ट्रेसिंग करना है और इस बी को इसके फ्लावर तक पहुँचाना है। लास्ट मैंने एक पजल दी हुई है, यहाँ पर इस बेबी फिश को उसे मम्मा फिश के पास पहुँचाना है, तो यहाँ से बच्चों को ड्रॉ करते हुए इसे यहाँ तक पहुँचाएंगे। तो अगर बच्चा कहीं गलती भी करता है तो आप उसे वाइप आउट करके फिर से करवा सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को पसंद आती है, छोटे बच्चों के लिए हेल्पफुल भी होती है और आपको बार बार वर्कशीट्स भी नहीं बनानी पड़ती। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।